ओके मिले मिले मेरे एयरपोर्ट का है Are you okay? Huh? Yeah? Okay. Yellow. Pani. सॉरी रोहन, तुम्हें क्या हो जाता है? ऐसा क्या है उस आवाज में? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, तुम मेरी एक नहीं सुनते। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है मिनी, प्लीज। आज कुछ भी हो जाए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आज और अभी, ठीक है? चलोगे ना? ओके। इस पेशेंट के साथ कोई है? हाँ सर, उनकी वाइफ आई हुई है साथ में। उन्हें भेजिए अंदर। जी सर। हाय डॉक्टर। मैंने चेकअप कर लिया है। जी। He is completely fit. I don't think so कि। पर डॉक्टर, वो सब कुछ, वो ड्रम साउंड। कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी साउंड बहुत इरिटेट करती हैं। ओके। वो कोई भी साउंड हो सकती हैं, लाइक डॉग के भौंकने की, बर्ड साउंड, एंड एनी बीट। बट डॉक्टर, इस हद तक? इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो बाई बर्थ और दूसरी ऐसी साउंड जो किसी खास इंसिडेंट से उस व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, जिसे वो कभी याद ना करना चाहता हो। क्या रोहन की लाइफ में इस तरह का कोई इंसिडेंट या कोई हादसा हुआ हो जिससे वो? नो डॉक्टर, जितना मैं जानती हूँ रोहन की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, एक हफ्ते बाद हम लोग फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जी डॉक्टर, श्योर। और हाँ, रोहन को इस बारे में कोई जिक्र मत करना ताकि उसकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। जी डॉक्टर, थैंक यू। ये गंदी बस्ती से गाड़ी क्यों लेके आए? हम बाहर से भी निकल सकते थे ना। तुम एक मिनट रुको, मैं अभी आया। ओ, इस कदर दिल मेरा चाहता है तुझे, इस कदर दिल मेरा चाहता है तुझे, मेरी हर एक दुआ में मांगता है तुझे। कुछ नहीं, किसी ने स्क्रैच मार दिया। मैंने मना किया था ना ऐसे गाड़ी लाने के लिए। यहाँ के बच्चे, ब्लडी बास्टर्ड, इनकी माँ को तो इनके बाप का नाम भी नहीं पता होगा। बास्टर्ड, हो गया ना नुकसान, और आओ यहाँ। जस्ट शट अप मिनी, वरना। वरना क्या? वरना क्या? कुछ नहीं यार, लेट्स गो। रोहन, क्या हुआ तुम्हें? चुप क्यों बैठे हो?
बास्टर्ड। क्या कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम जानना चाहती हो ना मुझे उस ढोल की आवाज से इतनी नफरत क्यों है, क्यों मैं इतना बेचैन हो जाता हूं उसकी आवाज सुनकर? ये कहानी एक 8 साल के बच्चे की है जिसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। तुम जानती हो उस बच्चे की माँ क्या काम करती थी? उसका और उसके बेटे का पेट पालने के लिए जिस्म का धंधा करती थी। लेकिन बच्चे की माँ ये कभी नहीं चाहती थी कि उसकी हकीकत उसे पता चले, इसलिए उसने अपने बच्चे को एक दिन एक ढोल लाकर दिया और उससे कहा कि बेटा जब भी कोई अंकल अंदर आए ना तू बाहर बैठकर ढोल बजाना, और अगर तू अच्छे से ढोल बजाएगा ना तो अंकल तुझे पैसे देंगे। बच्चा उस ढोल को लेकर बहुत खुश हुआ और जैसा उसकी मां ने कहा था उसने वैसा ही किया। जब भी कोई शख्स उसकी मां के पास आता वो ढोल लेकर बाहर बैठ जाता और खुशी खुशी ढोल बजाता। इस उम्मीद में कि वो अंकल उसे पैसे देकर जाएंगे। बच्चा सब बातों से अनजान था, उसे नहीं मालूम था कि उसकी मां अंदर उस शख्स के साथ क्या काम कर रही है। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी मां उस ढोल की आवाज के पीछे क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। और जब उसको जाने वाले शख्स से पैसे मिलते तो वो बहुत खुश हो जाता। और अपनी खुशी अपनी मां से जाकर बताया करता था। मां उसकी खुशी देखकर अपना दर्द भूल जाया करती थी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। उसके साथ उसका ढोल भी बदल गया। लेकिन बच्चा अब सब कुछ जान चुका था पर मजबूर था क्योंकि कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अपना सारा गुस्सा अपने ढोल पर उतार दिया करता था। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेबसी की सिसकियां उस बच्चे के कान में पड़े और उस जगह की छाया उसके ऊपर पड़े। कल को कोई उस बच्चे को बास्टर्ड कहे, इसलिए उसने एक दिन अपनी सारी कमाई उस बच्चे को दे दी और कहा, ये कुछ पैसे रख और तू यहां से चला जा और यहां बड़ा आदमी बन के ही आ। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तू चला जा यहाँ से। फिर उस बच्चे ने दिन रात मेहनत की। उसे जो भी काम मिलता वो किया करता। उसका एक ही सपना था कि उसे बहुत सारे पैसे कमाकर बड़ा आदमी बनना है। जब भी उसे वक्त मिलता वो पढ़ाई किया करता, ये सोचकर कि एक दिन उसे बड़ा आदमी बनना है और अपनी मां का सपना पूरा करके उसके पास जाना है। वो एक दिन बड़ा आदमी बन गया, फिर अपनी बस्ती में वापस गया अपनी मां को ढूंढने। लेकिन उसकी मां का पता किसी ने नहीं बताया। वो बच्चा मायूस हो गया।
लेकिन पता है तुम्हें, वो बच्चा आज भी उस बस्ती में जाता है इस उम्मीद के साथ कि उसको एक दिन उसकी मां मिलेगी और वो उसको कहेगा कि मैंने तेरे सपने पूरे कर दिए मां। उस बच्चे ने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन आज भी जब उसके कानों में उस ढोल की आवाज पड़ती है तो उसको लगता है कि एक बेबस और लाचार मां अपनी बेबसी और लाचारी उस आवाज के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। रोहन, क्या तुम? हाँ, मैं ही वो बास्टर्ड बच्चा हूं।